नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे ट्रायंगल ऑफ फायर के बारे में। ट्रायंगल ऑफ फायर क्या होता है? होने को यह एक बड़ा ही बेसिक चीज है, लेकिन इंटरव्यू में कई बार हम ये पूछ लिया जाता है, जो लोग फ्रेशर हैं उन लोगों से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये क्या पूछ लिया। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आग लगने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, तापमान, ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान। जब ये तीनों चीज आपस में मिल जाती हैं तो आग लग जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रायंगल ऑफ फायर की। ट्रायंगल ऑफ फायर यानी अगर हम इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ जाने तो आग का त्रिभुज, आग का त्रिभुज। अभी वही चीज यहां पे है, आग लगने के लिए तीन चीजों की जरूरत थी तो इन्होंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। तीन चीजों मिलने के बाद ट्रायंगल बनता है, इसको त्रिकोण बोलते हैं। इसी ट्रायंगल के बाद आग लग जाती है, उसी को हम ट्रायंगल ऑफ फायर बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं ये तीन चीज है, अगर मैं बात करूं इन दोनों में से किसी, तीन में से किसी एक लाइन को, एक रेखा को अगर हम हटा दें तो क्या वो ट्रायंगल होगा? नहीं ना। मैंने ये वाला हटाया, अब इसको ना हटा के मैं इसको हटा दूं, वो जब भी ट्रायंगल नहीं बनता है, ठीक है। या फिर इसको हटा के इसको हटा दिया तो भी ट्रायंगल नहीं बनता। तो ये तीनों, तीन त्रिभुज और तीनों चीज, ये ओ टू हीट, जब ये तीनों चीज आपस में मिल जाती हैं तो एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसको ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं। ये इसका मतलब है। और ये तीनों चीज जैसे मैंने बोला, इनके बाद फायर हो जाती है, अगर इन तीनों में से किसी एक को हटा दे तो वो फायर नहीं होगी। तो मतलब समझ रहे हैं आप, अगर किसी एक रेखा को अगर हम हटा दें तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें ट्रायंगल के लिए तीन रेखाओं की जरूरत है, वो तीन ये हो गया। और फिर उसके बाद आता है फायर। अब ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान, अगर इन तीनों में से किसी एक को हटा दे तो आग नहीं लगेगी, तो ठीक है, सीधा सा फंडा है ट्रायंगल ऑफ फायर, आग का त्रिभुज। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं वीडियो को डिलीट भी कर सकता हूं, दोबारा भी बना दूंगा। फिर भी मैंने कोशिश किया अच्छे समझाने की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत।